डीसी इनपुट आती है, अगर आप चेक करोगे तो यहाँ पर 5 वोल्ट डीसी इनपुट आएगा, लेकिन अभी मशीन ऑफ है, पीसीबी हमने अलग कर रखा है, तो अभी हम सिर्फ क्या चेक कर सकते हैं, इसकी रेजिस्टेंस। इसकी रेजिस्टेंस हम चेक करेंगे किनारे की दोनों पिनों पे, ठीक है। तो हमें 19 से 26 के बीच में मिलना चाहिए। मैं मीटर चेक कर लूँ, मीटर मेरा ओके है। अब मैं क्या करूँगा, इसमें जहाँ पर कनेक्टर एंटर होता है ना, वहाँ पर मैं अपना क्लाइमेट सर थोड़ा सा अब बताओ, इसमें एक एयर प्रेशर जनरेट होता है, ठीक है। हमने इसके अंदर क्या डिजाइन कर रखा है, जैसे आपने देखा होगा पुराने जमाने में लोग रेडियो का चैनल बदलने के लिए एक रॉड होती थी, वो आगे पीछे घूमती थी, ग्रेफाइट की छड़ होती थी, ठीक है। उसी तरीके का डिजाइन इसके अंदर कर रखा है। इसके अंदर क्या होता है, जब ड्रम में पानी भरता है तो एयर प्रेशर जनरेट होता है, और हमने उसके ऊपर एक रबर लगा रखा है, डायफ्राम लगा रखा है। जैसे जैसे एयर प्रेशर जनरेट होता है वो फूलता जाता है, फूलने से क्या होता है, वो जो छड़ है वो कॉयल के अंदर ऊपर की तरफ जाती रहती है। जब ये आगे पीछे होती तो इससे फ्रिक्वेंसी जनरेट होती है, ये फ्रिक्वेंसी पीसीबी को कमांड जाता है कि वो कितनी फ्रिक्वेंसी चेंज करता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता रहता है फ्रिक्वेंसी घटती रहती है, जैसे जैसे वो नीचे आता है फ्रिक्वेंसी बढ़ती रहती है। तो ये फ्रिक्वेंसी घटना बढ़ना ये प्रेशर सेंसर पीसीबी चेक करती है, इसके हिसाब से मशीन डिसाइड करती है कितना पानी आया है। कुछ लोग तो